ओलंपिक में कांस्य पदक मिलने पर गुना की हॉकी टीम ने शहर में निकाला जुलूस, मनाया जश्न। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ 5-4 से हॉकी का मुकाबला जीत कर समूचे विश्व में हॉकी टीम की उपस्थिति दर्ज करा दी। 5 अगस्त को कांस्य पदक की लड़ाई में जर्मनी को हराकर भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक गेम्स में पदक जीता। इस खुशी में जश्न पर गुना हॉकी टीम भी पीछे नहीं रही। गुना के सभी खिलाड़ी गुरुवार को हॉकी खिलाड़ियों ने शहर के ज्येष्ठम चौरासी तिरंगा यात्रा ढोल धमाकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जुलूस में हॉकी खिलाड़ियों के साथ पूर्व वरिष्ठ खिलाड़ी एवं साथ में गर्ल्स हॉकी टीम भी उपस्थित रही। सदर बाजार निचला बाजार होकर खिलाड़ियों का जुलूस हार्ट रोड पहुंचा, जहां कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा पिंकू हॉकी खिलाड़ियों के जुलूस का स्वागत किया। ढोल धमाकों के साथ खिलाड़ी हॉकी टीम की जीत पर जश्न में झूमते नाचते नजर आए। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी मनोज चौरसिया ने अपने प्रतिष्ठान पर मिठाई जलेबी बांटकर सभी खिलाड़ियों का मुंह मीठा किया। आगे बढ़ते हुए खिलाड़ियों का काफिला हनुमान चौराहे होते हुए अपनी सर जमीन संजय स्टेडियम पर पहुंचा, जहां हॉकी खिलाड़ी काफ़ी देर तक खुशियों में झूमते नाचते रहे। खिलाड़ियों के काफिले में सभी खिलाड़ी उपस्थित थे। गुना से डंपिंग खान की रिपोर्ट।